मोदी मोदी कर रही है। अरे तो मैं वो मोदी मीडिया है, वो मोदी मीडिया है, वो मोदी मीडिया है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब वही गुलामी कर जाए, जब वही गुलामी की आड़ में खड़ा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसके जो रीति और रवैया है वो पूरी तरीके से इस देश की राजनीति को उन्होंने एक ऐसे मझधार में ले जाने का काम किया, जिन्होंने आज कहीं ना कहीं जाति धर्म और मजहब और भाषा प्रांत के नाम पे, हम लोग जब कन्याकुमारी से चले तमिलनाडु केरला जैसे राज्यों में जिस तरीके से लोगों का हुजूम और लोगों का जनादेश मिलता रहा, उससे ये तय कर दिया गया था कि जो भारत जोड़ो यात्रा है ये पूरी तरीके से अपने उस लक्ष्य की तरफ, अपने उस विश्वास के जरिए, उस सद्भावना के जरिए ये यात्रा आगे बढ़ रही है। कई तरीके से जो गोदी मीडिया दिखाई जा रही थी, जैसे बड़े बड़े चैनल है, स्ट्रीम मीडिया, शायद वो जगह नहीं देना चाहते। देखिए मैं कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को अब कोविड के झांसे में लाने का काम किया है, यात्रा को रोकने का काम किया है कि कोविड के जरिए इस यात्रा में जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, आप बताइए कितनी जनता का, दिल्ली के जब दस्तक हुई है ये यात्रा, ये लोगों का प्यार है, लोग राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको दबाने का काम किया है। मैंने कर्नाटक में देखा जिस तरीके से किसानों की प्याजों को ऐसे सड़ रही है, और अडानी और अंबानी के गोडाउन में जाने का प्रयास जो प्रचंड बहुमत तो नहीं मिल रहा, देखे कैसे नहीं मिल रहा है। आप कर्नाटक में देखे, केरला में देखे, कल हरियाणा में देखे, तमिलनाडु में देखे, आप आंध्रा में देखे, तेलंगाना में देखे, आपको दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा है? प्रचंड बहुमत गुजरात में, अरे प्रचंड बहुमत देखिए। आपने देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव होता है, देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव होता है तब वो पद यात्रा करते हैं। आखिर आप बताइए वोटिंग के दिन क्या देश के प्रधानमंत्री को पद यात्रा करने की जरूरत पड़ती है, लोगों को हाथ उठाने की जरूरत पड़ती है? अगर आपने काम किया है, यही सरकार कहती थी किसानों की आय दोगुनी होगी, आज क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? यही सरकार कहती थी महंगाई पे लगाम लगेगी, क्या आज महंगाई पे लगाम लगी? ये यात्रा प्यार की यात्रा है, सद्भावना की यात्रा है, भारत को एक साथ लेकर चलने की यात्रा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो तोड़ने का काम किया है वो अब तोड़ेंगे, अब हम इनको तोड़ेंगे। ये लोग लाठी डंडों से और नफरत से तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस टूट रही है, अरे कौन कर रहा है? ये देखिए कैमरा दिखा दीजिए, कैमरा दिखा दीजिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी के आंखों में ये पता हो जाना चाहिए कि अब देश की जनता राहुल गांधी के साथ है। नेता छोड़ के भाग रहे हैं, देखिए लेकिन मैं कहता हूँ आपने जिस तरीके से, अब मैं कहता तो हूँ कि दिखाना चाहिए। आज तक की बात करें, उन्होंने तो जगह नहीं दी। यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरे देश में गुमराह किया जा रहा है। राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग हो रही है, देखिए रीलॉन्चिंग नहीं, राहुल गांधी हमारे एक शेर हैं, और जो लोग कहते हैं 56 क्या सीना है, आज इस ठंड में एक टी शर्ट पहन के और पूरी यात्रा उन्होंने की है, और देश के प्रधानमंत्री सूट पे सूट बदलने का काम कर, चुनाव हार गए राहुल गांधी। अरे देखिए आपने देखा होगा हिमाचल में, ये जो गुजरात की बात कर रहे हैं, इन्होंने गुजरात में अपनी ताकत झोंकने का, आप बताइए जहाँ पे पुल टूटा वहाँ पे इनकी सरकार आ गई, क्या ये सरकार में जो बैठे हुए मंत्री हैं केवल ईवीएम के जरिए और देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं? लेकिन आप देखिएगा राहुल गांधी, देखिए 24 का जनादेश जो है, 24 का जनादेश है, ये भीड़ तय कर चुकी है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल नहीं सुनामी है, नया जवाहरलाल है, ये देश का दूसरा जवाहरलाल है, जिन्होंने देश के साथ चलने का काम किया है, जिन्होंने देश को एक साथ लेकर चलने का काम किया। नीतीश बनेंगे, देखिए मैं कहता हूँ आप कहाँ कहाँ कौन सा नाम लाते हैं, आज कौन, मैं पूछ लीजिए आजादी के बाद, भारत छोड़ो के बाद भारत जोड़ो का नारा राहुल गांधी ने दिया है। जो देखिए बिल्कुल भाई राहुल गांधी, आज देखिए देखिए सुनिए, देखिए 24 का चुनाव आ जाएगा, आप चश्मों में दूरबीन लगा लीजिए, अगर ये भीड़ नहीं दिखाई दे रहे हो तो इन चश्मों में दूरबीन लगा लीजिए, क्योंकि भारतीय वोट नहीं देती। अरे देखिए कैसी बात है, तमाशा देखने आई है, कोई पैसे की भीड़ नहीं है, ये लोगों का प्यार है, जनता से बात कर लीजिए। ये जनता बता चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से सुपड़ा साफ होता है। जो लोग राम के नाम पे लूटने आए थे उनको कह देना चाहता हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब इस देश की जनता अपने वचनों पे, अपने आपके साथ है तो राहुल गांधी लेटर क्यों लिख रहे हैं विपक्ष पार्टियों को कि मेरे साथ आओ? आप बताइए देश मेरे साथ देश लेटर लिख रहे हैं? देखिए साथ आने की, क्योंकि आज
देश बचाने की लड़ाई है। कई लोग जब गांधी जी दांडी यात्रा निकाले, उन्होंने कई यात्राएं निकाली, उस वक्त उन्होंने देश के साथ चलने का काम किया, तो लोगों को कहा था कि आप जुड़िए, एक साथ होइए, एक साथ होकर सबको साथ लेने का काम है। यहाँ किसी राजनीतिक सत्ता और किसी वो नहीं है, ये केवल लड़ाई है। जो लोग वायदे पे अपने नहीं कायम रह पाए, भारतीय जनता पार्टी अगर वायदे के काम रही होती तो आज ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप 3,000 किलो आप मंदिर बनवा रहे हो। देखिए मैं कहता हूँ, मैं मंदिर के नाम पे, मैं कहता हूँ मंदिर के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे आप अपनी राजनीति करना बंद करिए, क्योंकि अब देश की जनता विकास पे बात करना चाहती है। अगर योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं इस देश में तो सीएमआई की रिपोर्ट उठा लीजिए, आप हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट उठा लीजिए, देश के प्रधानमंत्री के आंखों में जो रतौंधी है वो पता चल जाएगी। पांडे जी आप लोग तो वोट दे नहीं रहे, देखिए मैं आपका समाज देखिए तो नहीं रहा, देखिए सभी समाज एक साथ हो के, सभी समाज हम आप देखिए बस सारे लोग आ गए हैं एक साथ, हम खड़े हैं ना, सभी सभी लोग एक साथ होके कांग्रेस के साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि आज आपने भीड़ दिल्ली में भी देख ली। जो लोग दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा था, उनको आज नजर आ रहा होगा कि ये राहुल गांधी के लोग कितना प्यार कर रहे हैं और कितना मोहब्बत कर रहे हैं। लोगों 3-3 घंटे खड़े हैं, मैंने 10 राज्यों को देखा जिस तरीके से सड़कों पे खड़े होके और राहुल के लिए खड़े हैं, ये पूरी तरीके से उनके लिए प्यार है, उनकी मोहब्बत है। और ये जालिम सरकार से कह दो, ये तानाशाह सरकार से कह दो कि सड़क पे जो हुजूम है ये राहुल के प्यार का हुजूम है। और सत्ता में 2024 में डर रही है, डर नहीं रही होती तो मनसुख मंडाविया जो उन्होंने चिट्ठी भेजी राहुल जी को कि आप यात्रा बंद कर दीजिए। आखिर आप बताइए, जब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है ना, तो झांसा है केवल देश को फिर उसी गर्द में ले जाना है, लेकिन अब देश गर्द में। राहुल गांधी तो पहले से कहते रहे कि बीमारी आ रही है, बीमारी आ रही है, आप क्यों नहीं रुक जाते? आप बताइए, केवल इस यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य रहा है उनका कि यात्रा को कैसे रोका जाए, लेकिन राहुल गांधी जी ने कह दिया है अरे कौन सी इंडिया बना रहे, गरीबी की इंडिया बना रहे। हंगर इंडेक्स उठाइए, उठाइए हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे है भारत, सबसे निचले पायदान पे है। आज जरूरत है सबको एक साथ लड़ने की, इसलिए राहुल गांधी लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं कि भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता जो है कायम वही कायम रहे। मोदी जी के कहने से युद्ध रुक जाता है यूक्रेन रशिया का। अरे मैं कहता हूँ शेर नहीं ये जीता है, राहुल गांधी 2024 में जीता है। राहुल गांधी जीतेंगे क्योंकि अब राहुल गांधी के साथ जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी। मीडिया मोदी मोदी कर रही है। अरे तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब वही गुलामी कर जाए, जब वही गुलामी की आड़ में खड़ा हो जाए, तो उसके लिए क्या मायने रखता? आप बताइए, इन्होंने जगह देने का नहीं काम किया, मीडिया में दिखाने का काम नहीं किया, लेकिन अब दिल्ली की दस्तक पे आप देख लीजिए बीजेपी के कह रहे हैं छुट्टी लेंगे राहुल। अरे विदेश में देखिए वो तो कह रहे थे जो व्यक्ति एक टी शर्ट में पूरे देश की यात्रा कर दी, जो व्यक्ति एक टी शर्ट में पूरे देश की यात्रा कर दी, उस व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाना भारतीय जनता पार्टी की ओची राजनीति है, ओची राजनीति है। अरे टी शर्ट देखिए, आप बताइए, आप 4 ब्लेजर पहने हैं, आप स्वेटर पहने हैं, लेकिन राहुल गांधी केवल टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं। और वो शेर कहते हैं जो सीना चौड़ा करके पूरे देश के साथ देश को एक लेने का काम कर रहा है, यही हमारी आवाज है, हम आवाज को बुलंद करते रहें।